तो ऐसा क्या है कि चारों शंकराचार्य राम मंदिर के निर्माण पर एकमत नहीं है? आपको प्रामाणिक सूचना नहीं है इसलिए ऐसा कह रहे हैं। सूचना ठीक से प्राप्त कीजिए। चारों शंकराचार्यों में मतभेद है श्री राम मंदिर को लेकर, आपको किसने कहा? ये खबरों में यही आ रहा है। गलत प्रचार है। तो आप बता दीजिए कि क्या है चारों शंकराचार्यों का क्या मत है? जी आचार्य सुनिए, श्री राम जी यथास्थान प्रतिष्ठित हो आवश्यक है, लेकिन शास्त्र सम्मत विधि निषेध का अनुपालन करके ही उनकी प्रतिष्ठा हो यह भी आवश्यक है, क्योंकि जो प्रतिमा होती है, अर्चा विग्रह होता है, मूर्ति होती है विधिवत, उसमें भगवत तेज का सन्निवेश होता है। विधिवत पूजा प्रतिष्ठा न होने पर या तो तेज का सन्निवेश नहीं होता या सन्निविष्ट तेज तिरोधी हो जाता है, इन सब का प्रवेश हो जाता है और वे डाकनी शाकनी भूत प्रेत पिशाच चारों दिशाओं को उच्छिन्न कर विप्लव बचा देते। इसलिए शास्त्र संबत विधा से राम जी की प्रतिष्ठा हो और पूजन इत्यादि का प्रकल्प भी वेदादि शास्त्र संबत विधा से ही हो। मैं एक संकेत करता हूँ, संविधान का अर्थ ही होता है विधि और निषेध, विधि निषेध में ही संविधान होता है। शास्त्र संबत विधा से भगवत की प्रतिष्ठा हो, पूजा आदि का प्रक्रम हो, इतनी सी बात है। इसमें कोई शंकराचार्य विज्ञान को प्राप्त नहीं है, मतभेद किसी में नहीं है।